हमारे साथ में मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाले जी, जिनसे मिलने जो है सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जो है खुद आए थे। आपको बता दें मनोज तारवाले जी अभी जो है फिलहाल हर्षवर्धन सिंह चौहान जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके साथ में जो है आप खुल कर जो है सामने आए हैं भाजपा की प्रत्याशी अर्चना चिटनिस के खिलाफ। हम इनसे बात कर लेते सर, क्या मिलने आए थे आपसे सांसद जी, थोड़ा सा बताएं। सांसद जी वगैरह को लग रहा था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते और विधायक के उम्मीदवार के समर्थन में जिला अध्यक्ष जी मनोज द्विवेदी आए थे और हमसे बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में आप मीटिंगों में नहीं आ रहे। उनको स्पष्ट कहा कि हमको भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार बन गई है उससे हमको तकलीफ है कि शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया वो हमें लगता है कि गलत है, क्योंकि पिछली बार वो उम्मीदवार जो निर्दलीय से हार गया था पुनः उसको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया, ये त्रुटिपूर्ण निर्णय है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बचाना है बुरहानपुर में। और यहाँ के छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते जो पीड़ा यहाँ के अनेकों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछली बार निर्दलीय से हारने की भुगती है वो पीड़ा को हम भी सहन कर चुके हैं और उस पीड़ा को हम जानते हैं और वही निर्दलीय उम्मीदवार इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार बन गया है। तो कहीं ना कहीं हमको ये विचार करने वाला प्रश्न है कि जब वो निर्दलीय था तो 5,000 से हरा दिया था, तब कांग्रेस को लगभग 18,000 वोट मिले थे, तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हमारा कैंडिडेट 25,000 से नहीं हार जाए, इसलिए ऐसे व्यक्तित्व को हमने खड़ा किया है जिसके पिताश्री ने भारतीय जनता पार्टी खड़ा करने में अपना जीवन दे दिया, जिसके बारे में केवल बुरहानपुर जिला, बुरहानपुर विधानसभा या लोकसभा खंडवा संसदीय क्षेत्र नहीं जानता, पूरा मध्य प्रदेश नंद कुमार सिंह चौहान को जानता है कि उसने बीजेपी खड़ा करने में कितना बड़ा योगदान दिया और उसके शहर में उसके परिवार के रहते हुए मेरे परिवार जो तारवाला परिवार एक भारतीय जनता पार्टी को सांसद दे चुका है, जो खंडवा संसदीय क्षेत्र का सांसद परमानंद जी गोविंद जी वाला को परिवार दे चुका है, ऐसे तीन चार अनेकों बार सांसद देने वाला शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की यदि ऐसी दुर्गति हो तो हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए मैं तारवाला परिवार का एक प्रतिनिधि होने के नाते नंद कुमार सिंह चौहान के सुपुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान के चुनाव के लिए तैयार करा है और भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते उसने भी अपनी सहमति दी और खड़ा किया और आज लगता है कि हमको वो राजनीति का इस क्षेत्र का संत जिसके पुत्र को हमने आगे लाया तो उसका कितना लोगों के अंदर भाव है, कितनी उनके प्रति श्रद्धा है कि आज जहाँ जाते हैं वहाँ पर जनसमर्थन ऐसा जितना चाहते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा मिल रहा है। तो आप उनके साथ में ही है ना? शायद आपको जानकारी नहीं हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हर्षवर्धन चौहान ने जो फॉर्म भरा है मैं उसका चुनाव अभिकर्ता भी बना हूँ, इसलिए साथ नहीं उसकी ढाल बन के खड़ा हूँ और चुनाव जिताने की मेरी जवाबदारी है, चुनाव वो बच्चा नहीं, मैं लड़ रहा हूँ और चुनाव जीता के लाने की जवाबदारी मेरी बहुत ज़्यादा है और ये भावनाओं को मेरे भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता और मतदाता समझेंगे, क्योंकि टिकट मैंने भी मांगा था, बाकी मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए यहाँ दोनों यदि खड़े हुए तो हम जिस भावना को लेकर खड़े हुए वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने उसका समर्थन देना नहीं बोल सकता, मैंने उसका पालक बनना उचित समझा। वो उम्र में बहुत छोटा है और उसका जीवन का पहला चुनाव है और ये शुरुआत हो, इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए मेरा तो क्या आज 61 साल का हो गया, मेरा क्या बचा, वो बच्चा अभी 32 साल की उम्र का है, मेरे से कम उम्र का है, तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल हो इस बात को ध्यान में रखते हुए उसका पालक बनने का मैंने निर्णय लिया।